चुनाव से पहले बड़ा झटका, झारखंड में ऑपरेशन हेमंत, बीजेपी के कई दिग्गज जेएमएम में आए, आधी रात सोरेन ने कर दिया खेल। झारखंड में चुनावी ऐलान के बाद अब दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है। यहां 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा दिनों दिन तेजी चढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी जहां जी जान से हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखली करने के लेकर जुटी हुई है, तो वहीं हेमंत सोरेन भी बीजेपी की बिसातों को धराशायी करते नजर आ रहे हैं। वोटिंग से पहले ही हेमंत सोरेन ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। एक दो नहीं बल्कि बीजेपी के कई नेताओं को उन्होंने अपने पाले में कर लिया है। जेएमएम ने रातों रात ऑपरेशन हेमंत चलाकर बीजेपी के 6 नेताओं को अपने पाले में खींच लिया। इस ऑपरेशन में बड़ी बात यह है कि जेएमएम ने बीजेपी के बड़े ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले लुइस मरांडी को भी तोड़कर अपने पाले में कर लिया, जिनका इस्तेमाल बीजेपी हेमंत सोरेन के खिलाफ ब्योरेहट सीट पर करना चाहती थी। लुइस मरांडी दुमका सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ बरेहट से चुनाव लड़ने को कहा था। देखिए, हम बोल रहे हैं कि हम पार्टी को जो हम इतना लंबा समय दिए और हम कभी रात को रात नहीं माने, अनवरत हम जनता का सेवा करते रहे और पार्टी का कोई भी निर्देश हमने बहुत ही ईमानदारी से पालन किया, बहुत ही ईमानदारी से। लेकिन इस समय जो चुनाव आ गया, तो ऐसे समय में हमको पार्टी ने कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना है, तो जो हम 24 साल से दुमका को समय दिए हैं, तो हम बरहेट में जाके हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? हम वहाँ का कुछ नहीं जानते हैं। दुमका में हम एक एक चीज जानते हैं, दुमका के आसपास का एक एक चीज जानते हैं, लेकिन बरहेट से हम लोगों का आना जाना कभी रहा नहीं है। तो हमने इसीलिए कह दिया, भाई हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते हैं। उतना के बाद भी घोषणा हो गया उम्मीदवारों का, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा हो गया और दुमका से किसी और का नाम आ गया, तो फिर हमने निर्णय ले लिया कि जब हम अपने जीवन में संकल्प ले लिए हैं जनता का सेवा के लिए, तो सेवा साधारण तरीके से भी होता है। हम जो पिछले 5 सालों से वो करते भी रहे हैं, लेकिन जिस रूप से सेवा होना चाहिए वैसा हो नहीं पाता है, तो उसके लिए एक मंच चाहिए होता है और इसीलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी से संपर्क हुआ और इन्होंने सहज स्वीकार किया। हाँ, आपको भरोसा दिलाया गया है कि आप जहाँ से चुनाव लड़ना चाहती थी बीजेपी से, किस बार वहाँ से टिकट मिलेगा आपको? देखिए, हम अभी एक गार्जियन उनको माने और हमारा समस्या उनके सामने है, तो वो हमको कहीं चुनाव लड़ाएंगे, ये उनके ऊपर देते हैं। लुइस मरांडी के साथ ही अन्य नेताओं की बात करें तो सरायकेला से बीजेपी के पूर्व उम्मीदवार गणेश महरी, बहरगोड़ा से पूर्व उम्मीदवार कुणाल सांगड़ी, बारी मुर्मू, बास्को बेहरा और लक्ष्मण टूडू के नाम शामिल हैं। सारठ के पूर्व विधायक चुन्ना सिंह के भी जेएमएम में शामिल होने की खबर है। बहरहाल, चुनाव से पहले इसे बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल आपका इसको लेकर क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ राय है, दीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।